नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है श्री गणेश का प्रथम पूजन क्यों किया जाता है। श्री गणेश का प्रत्येक शुभाशुभ कार्य के आरंभ में आस्तिक हिंदू समाज पूजन वंदन एवं ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझता है। अनेक लोगों का यही प्रश्न होता है कि अनेक सुंदर और शक्तिशाली देवता हैं। सूर्य हमें रोशनी देता है, इंद्रदेव पानी बरसाकर अन्न उपजने में सहायता करते हैं, जीवधारियों के प्राण रक्षक पवन देव है, फिर गणेश जी का ही पूजन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण ध्यान जब आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। हम पहले ये देखते हैं कि गणेश का अर्थ होता क्या है। तो दोस्तों, गणेश का अर्थ है गणों का ईश अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा आराधना अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा ना पहुंचाएं, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। पर मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्या बात है या ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम एक कथा सुनते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये पूजन क्यों किया जाता है। यह एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक बार देवताओं की सभा हुई। उनके मध्य यह बात उठी कि सब में श्रेष्ठ कौन है। सभी देवता अपने अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे। इस तरह निर्णय ना हो सका। अंततः निश्चित हुआ कि जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करके इस स्थान पर पहुंचेगा, वही सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम पूज्य होगा। यह सुनकर सभी देवता अपने तीव्रगामी वाहनों पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने चल पड़े। किंतु भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी अपने मूषक जो उनका वाहन था चूहा के साथ वहीं रह गए। किंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और वे वहां से चलकर उस स्थान पर गए जहां उनके माता पिता यानी कि शिव पार्वती बैठे हुए थे। उन्होंने माता पिता की तीन बार परिक्रमा की और जाकर सभापति के आसन पर बैठ गए। सर्वप्रथम मयूर जो कि मोर पर आरूढ़ कार्तिकेय जी तीनों लोकों की परिक्रमा करके पहुंचे और सभापति के आसन पर विराजमान गणेश को लड्डू खाते हुए देखकर क्रोधित होकर विवाद करने लगे। तत्पश्चात गणेश जी ने सभी देवताओं के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि तीनों लोकों की सुख संपदा माता पिता के चरणों में ही विराजती है। माता पिता की चरण सेवा ही सर्वोपरि है। जो इनके चरणों को छोड़कर लोकों का भ्रमण करता है, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। यह सुनकर महादेव जी प्रसन्न हुए और गणपति जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। आज से कोई भी मंगल कार्य के प्रारंभ होने पर सबसे पहले आपका पूजन होगा, तत्पश्चात किसी और देवता का होगा। तभी से दोस्तों यह परंपरा चली आ रही है और उनके पूजन से ही समस्त कार्यों को सफल माना जाता है। ओम गणपतये नमः।